लक्ष्मी, मंदिर में आज स्पेशल पूजा है, सरस्वती को भी साथ में ले आओ। सरस्वती अभी तक वो कहाँ गई है? वो बताओ। वो यहाँ कल रात से नहीं है। वो गई कहाँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है? वहीं रुक जाओ। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? हे भगवान, ये तुमने क्या कर डाला सरस्वती? जीजा जी हमें माफ कर दीजिए, हमें दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा, इसीलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। हाँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। दूर ही रहो, हमारा ये मकान मंदिर समान है, इसे अपवित्र मत करो। हमारे आने से अपवित्र हो जाएगा? हाँ, तुम्हारी जाति क्या है, हमारी जाति क्या है, हम ऊंची जात के हैं। अपने जीते जी मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा, याद रखना। मेरी बात सुनिए, मैंने इनसे शादी की है, इनकी जात से नहीं। मुझे प्यार हुआ और शादी कर ली। अब हम दोनों को चाहिए केवल आशीर्वाद, आपसे और दीदी से। ये तुम क्या बोल रही हो? किससे जबान लड़ा रही हो? उस इंसान से जिसने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया? एक पल में ही अपनी बहनोई की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दीदी बस रहने दो, मुझे दीदी बुलाने की जरूरत नहीं। ये सब करने के पहले तूने मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने अपने कंधों पे खिलाकर आज तुझे इतना बड़ा किया, लेकिन तूने मुझे अच्छा सिला दिया उसका। दरअसल हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं था, हमने जिस किसी से भी बोला उसने हमारा ही अपमान किया। नहीं रहने दो, बस रहने दो। तुमने आज इस नारायण की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे ईश्वर, किसी से प्यार करके उसे शादी करना पाप है क्या? अपनी जुबान बंद कर, इस घर में कदम रखने की योग्यता तुझ में नहीं है। जीजा जी बस रहने दो, पर गया तुम्हारा जीजा। मेरे इस दिल को तुमने बहुत चोट पहुंचाई सरस्वती, तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की? तुम्हें मैंने इसकी बहन नहीं अपनी बेटी की तरह पाला पोसा बड़ा किया है। शायद मेरे पालने पोसने में कोई खोट रह गई जो तुमने आज ये फैसला लिया, बहुत हो गया। अब जाओ, खड़े क्यों हो, जाओ। आज से तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जाओ। तुम यहाँ क्यों खड़े? चलो अंदर, चलो चलो अंदर। सुहाग रात में पत्नी अपने पति को दूध का ग्लास देती है, यही हमारे देश की संस्कृति है। हमें इस संस्कृति को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब फिल्मों में अच्छा लगता है। अरे ये क्या तुम रो रही हो? मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला। तो फिर दीदी और जीजा जी ने उनके बारे में मत सोचो, वो लोग पुराने जमाने के हैं, बदलेंगे नहीं। सुनो, हमने प्यार किया फिर शादी की, अब सुहाग रात में तुम्हें इतना सुबह होगी तो चलो। दीदी पिताजी मंदिर से चले गए।
छोड़ दो। बिंदु, अगर तुम इस वक्त यहाँ से चली गई तो तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तुम्हारे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ये मेरा साम्राज्य है, यहाँ हवा भी मुझसे पूछ कर आती है। मुकुल, छोड़ उसे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? चलो चलो चलो, सब बर्बाद कर दिया। ये क्या मुकुल, तुम जब देखो तब। क्यों, इस क्या कर दिया मैंने? वहां इतने सारे मजदूर हैं, किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? देखते तो बहुत बुरा होता। ये सब खुले में मत करो, करना ही हो तो घर की चार दीवारी में करो, वहां कोई नहीं देखेगा। अच्छा, कोई ना जाना ऐसी जगह पर करना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। हेलो, हाँ मैं ही हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पिताजी मंदिर गए हैं, माँ भी गई हैं, अभी आ जाएंगे। माँ जानेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिताजी जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या करूँ? जन्माष्टमी के दिन मिलेंगे? उस दिन हमारे तुम्हारे घर वाले वहीं होंगे, मैं इंतजार करूंगी। ईश्वर से प्रार्थना करना कि हम जल्दी मिलें। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, बाय। कृष्णा, काफी समय हो गया, मुकुल नहीं आया। वो मुकुल ने मुझसे, तुम दोनों साथ में ही तो गए थे ना, फिर क्या हुआ? मेरी बातों को मुकुल मानता नहीं है। मालिक, आजकल अपना मुकुल बहुत बदल गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। हमारे एस्टेट में एक लड़की बिंदु काम करती है, उसे मुकुल, मुकुल ने क्या किया? उसने उसे पकड़ लिया था, पर उसने किया कुछ नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि तब तक मैं वहां पहुंच गया। किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, फिर मैंने उस लड़की को वहां से भेज दिया। क्या करें, सब भगवान की लीला है। बचपन से ही वो बिन मां के बड़ा हुआ, उसके भले के लिए ही मैंने दूसरी शादी भी की, मगर वो मुकुल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो भी नहीं रही। अब तो मुकुल को हर औरत वैसी ही नजर आती है, क्या करूं समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। मालिक, एक बात कहूं, पर आप बुरा मत मानिएगा, अगर हम मुकुल की शादी कर दे तो शायद वो, हाँ मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई, मगर उसे इस गांव में लड़की कौन देगा? यही है मेरी बेटी, नाम है शालिनी, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद की यही मालकिन होगी। मुझे मोहन जी से अकेले में कुछ बात करनी है। जो पूछना है यही पूछो, एक दूसरे को जानना चाहते होंगे, क्या पूछना है? आखिर हमें सारी जिंदगी साथ में जो निभानी है। ऐसा कोई नाकारा नहीं है मेरा बेटा। वाकई जमाना बदल गया है। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता मेरे बेटे के लिए जमेगा। ये बात नहीं, वो होने वाले पति से कुछ पूछना चाहती होगी। इसकी शादी विदेश में ही क्यों नहीं कराई? वहां भी तो हिंदुस्तानी लड़के रहते हैं ना। क्या करें, हिंदुस्तान में ही शादी करूंगी, ऐसी जिद है। मतलब तुमने वहां भी लड़के देखे हैं? लड़की जब जवान होती है तो शादी की बात छिड़ती है। हम तो यहाँ हिंदुस्तान में हैं, वहां पर आपकी लड़की के साथ क्या हुआ कौन जाने। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? मैंने अपने बेटे को कई बार समझाया कि विदेश का संबंध नहीं चाहिए, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं। पिताजी बस बहुत हो गया, शादी से पहले लड़की से बात करना, ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या हो गया कि जो ये शादी नहीं होगी? मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरा फैसला बिल्कुल अटल है, मुझे रिश्ता पसंद नहीं है। सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए,
इसीलिए मैंने पहले ही कहा था हिंदुस्तान में शादी करने की जिद मत करो। अब देख लिया ना। कृष्णा, पता नहीं ये भी कहां चला गया। कृष्णा जी, तो हमारी नौकरी करता है किसी और की? उस नारायण का भाई खाता कहां है? मालिक, उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, सब ठीक कर दूंगा। और कितना समय चाहिए? कई सालों से उसके ऊपर पैसा बकाया है। जी हाँ, वो सब मैं आपको बताने ही वाला था मालिक। इस तरह से बोलकर पिताजी के सामने हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं, काफी साल हो गए हैं। ब्याज वगैरह मिलाकर 2 लाख रुपए तो हो ही गए होंगे। यही तो मैं भी बोलने वाला था। मुकुल, तुम जाओ और उस नारायण को यहाँ लाओ, नहीं तो छोड़ो, कल सुबह हम खुद जाएंगे। हमें मोड़ी के साथ साथ ब्याज भी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो तुम कल सुबह मुझे याद दिला देना। ठीक है। सुंदरी, सुंदरी प्लीज, कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी। लगता है तुम्हारे पास काफी अच्छी किताबें हैं, एक मुझे दो ना। सॉरी। किताब नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, कितने ही दिनों से मैं तुम्हारे पीछे हूँ जानती हो। बेकार के लोग यही करते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे मिलकर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी बात? वो बात मैंने कई बार तुमसे बोलनी चाहिए। तुम्हें कुछ और काम नहीं है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सुंदरी, 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 ओफो, क्लाम, शुक्ला, वरदरम, वरदरम, विष्णुम, विष्णुम, शशिवर्णम, शशिवर्णम, चतुर्भुजम, चतुर्भुजम। हाँ तो बच्चों, अब तुम बोलो। शुक्लाम, विष्णुम, शशिवर्णम, चतुर्भुजम। नमस्ते नारायण जी। आइए बैठिए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किसी को बुला भेजते तो मैं खुद चला आता मालिक। हाँ, मेरा दिमाग जो खराब है, पहले किसी को रुपए देता हूँ फिर उसके पीछे हाथ फैलाए घूमता हूँ। कुछ भी हो जाए मालिक, मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। मुझे रुपए चाहिए जितनी जल्दी हो सके। वो भी ब्याज के साथ, कुल मिला कर पूरे 2 लाख रुपए हो गए। ऐसे अचानक मांगोगे तो मैं कहाँ से दूंगा, थोड़ा समय चाहिए। ऐसा मैं पहले ही कृष्णा से बोल चुका हूँ। कृष्णा तो केवल हमारा नौकर है, हमने तुम्हें पैसे दिए, वापस करो। मुझे थोड़ा समय चाहिए, अभी तो पहले की तरह मेरी खास इनकम भी नहीं है। हमें तुम्हारी दास्तान नहीं सुनी है, हमें चाहिए पैसे, वो भी ब्याज के साथ। बड़े मालिक, इतने भी कठोर मत बनिए, इतनी भारी रकम मैं एकदम से कहां से चुकाऊंगा, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तब मालिक संभालते थे, अब मुकुल ये काम संभालता है, अब वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो पहले से ही तुम्हें काफी समय दे चुके हैं। तुमने मुझे रुपए दिए हैं, मेरा घर गिरवी रखकर ही। वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उससे घर नहीं चलता है। आखिरी बार बोलता हूँ, मुझे अपने पैसे चाहिए, बस इतना ही। मुकुल ने जो कुछ भी कहा सही कहा। कब देते हो? आप लोग इतने कठोर मत बनिए, मैं आप लोगों के रुपए लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे अपने रुपए चाहिए, नहीं तो ये घर खाली कर दो, अब कोई बहाना नहीं। मालिक, बड़े मालिक, कुछ मत बोलो, मुकुल ने जो बोल दिया सो बोल दिया, कल तक रुपए लौटा दो। हम अब क्या करेंगे? अब तो ईश्वर ही मदद करेगा। ये पुरोहित की बेटी है सुंदरी। नीना,
ओ महेश, मैं नहीं तो और कौन आएगा? क्यों नीना परीक्षा की तैयारी कर रही है? हाँ। तुम अच्छा पढ़ोगी तो आगे चल के जरूर वकील बनोगी नीना। महेश मेरे साथ मजाक मत करो। अच्छा, माँ पिताजी कहाँ हैं? वो लोग बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। तब तो अच्छी बात है। क्यों, ऐसी क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही जी बहलाएंगे। नहीं महेश, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ भी करके एक वकील बनना है। तो ठीक है, तुम पहले परीक्षा पास कर लो, बाकी बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे? मेरे पिताजी भी वकील है, तुम तो जानती हो ना। मैं तुम्हें उनके पास रेकमेंड करूंगा और तुम उन्हें असिस्ट करना। इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरे भी जूनियर बन सकती हो। महेश मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। थैंक यू महेश। मैं भी आया। सुंदरी एक मिनट। अपने आप को क्या समझती हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम कहो तो। अपनी चाहत अपने मन में रखो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। प्लीज मुझे परेशान मत किया करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ही विचित्र स्वभाव की है। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं उसे भूल भी नहीं पा रहा हूं। तो एक काम करते हैं, हम कल फ्रांसिस को साथ में लेकर उसके घर पे जाते हैं, वहीं पर उससे बात करेंगे और उसे तुम्हारे मन की हालत समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हो? ठीक है। हेलो मैडम। हेलो, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। आप झूठ बोल रही हैं। मैं सच बोल रही हूँ, पिताजी भी यहीं थे, अभी अभी बाहर गए। ओ अच्छा, मुझे घबराहट हो रही है। क्यों, तुम्हें कौन घबरा रहा है? चुप रहो ना। क्या हुआ नीना? कुछ नहीं। नीना तुम्हारे पास कौन है, किससे बातें कर रही हूँ? फ्रेंड है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड। ए सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा लवर हूँ। किसी मर्द की आवाज सुनाई दे रही है, कौन है वो? ए हाथ हटाओ ना। कौन है वो नीना, सच बोलो। चुप रहो ना। नीना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? हाँ, नाम है महेश। ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह का प्यार कभी नहीं फलता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, महेश बहुत अच्छा लड़का है, तुम मिलोगी तो समझ जाओगी। नहीं, इस उम्र में तुम्हें ऐसी संबंध नहीं रखने चाहिए, पिताजी अगर जान गए तो। दीदी हमने शादी करने का फैसला कर लिया है, घर में भी सब मान गए। ठीक है, मगर तुम तो जानती हो ना हमारे परिवार की क्या हालत हुई। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी बातें ध्यान रखूंगी। ओके बाय। और चलो। नमस्ते। 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 कौन हो, क्या बात है? ये है विकास, हम स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं। सुंदरी हमें जानती है। हाँ बैठे। लक्ष्मी, सुंदरी कहाँ है? सुंदरी के सहपाठी आए हैं, कहाँ है वो, जरा बुलाओ उसे। रहने दीजिए, मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए। कैसी बात? बात यह है कि हमारा विकास सुंदरी को चाहता है, हम लोग इसके रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। तुम ये सब क्या बोल रहे हो है? पढ़ाई करने की उम्र में शादी करने की बात करने निकले हो, माँ बाप नहीं है? जो आपस में प्यार करते हैं उनकी शादी हो जानी चाहिए। क्या? दरअसल हमारा विकास आपकी बेटी सुंदरी से बहुत प्यार करता है, इकलौता बेटा है, धन दौलत की समस्या नहीं है, सुंदरी खुश रहेगी।
संबंध की बात करने के लिए आए हो? ये किस परिवार का है, किस जाति का है, क्या धर्म है, क्या गुण है इसमें? हमारा परिवार पारंपरिक पुरोहित परिवार है। सही कहा, इसमें भी अच्छे गुण है, इसीलिए तो इसका नाम विकास है। किस धर्म के हो, गोत्र क्या है, तुम्हारे माँ बाप कौन है? वो तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन पहले हम नहीं, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तुम लोग आए हो उसी से मैं समझ गया हूँ। सच तो यह है कि आज के जमाने में जाति कौन देखता है, अच्छा परिवार हो, पैसे वाले हो, ताकि जिंदगी आराम से गुजरे। हम परंपरा को नहीं बदल सकते, हम इज्जत को रुपए पैसों से कहीं ज्यादा अहमियत देते हैं। वैसे हम लोग भी नहीं। कुछ मत बोलो, यहाँ से जाओ। देखिए गुस्सा मत होइए, मैं सुंदरी से एक बार बात करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, जाओ। जाति धर्म परंपरा सब बेकार है, चलो। सुनो विकास, ये लोग 21वीं सदी में नहीं है, अभी भी तुगलक के जमाने में है, चलो चलना यार। बेटी तू तो मेरा स्वभाव जानती है, बेटी की शादी करना कोई गुड़िया का खेल नहीं है। वो लोग मेरे बारे में जानते हैं, फिर भी उन लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत की। क्या मेरी मान मर्यादा नहीं है? शास्त्र संप्रदाय सब मजाक बना दिया है। सुंदरी तुम एक पुरोहित परिवार से संबंध रखती हो, आज के बाद ऐसा तूफान नहीं आना चाहिए, याद रहे। अगर तुम मुझे वाकई चाहती हो तो वचन दो। पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपके लिए वचन तो क्या, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। हेलो नीना। हाँ मैं ही हूँ, काफी बोर लग रहा था। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? हाँ है, क्यों बात करनी है? नहीं, अपने दुखों की परछाई उन पर क्यों डालूं? क्या हुआ, तुम्हारे घर में कोई बात हो गई क्या? बात वो नहीं, अच्छी खासी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि मुझे देखने कुछ लोग आए थे, पिताजी को वो सब बहुत बुरा लगा। ये तो लड़की के घर में होने वाली मामूली बात है। मेरे घर की हालत बहुत खराब है, पैसे भी नहीं है, घर का खर्च ही काफी मुश्किल से चलता है, ऐसे में मेरी शादी भी एक समस्या है। तुम घबराओ नहीं, समस्या सब जगह होती है, मगर परंपरा के साथ कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो ठीक रहेगा। क्या करें, हम बहुत कोशिश करते हैं पर सब बेकार है। मैं जब भी पिताजी को देखती हूँ काफी दुख होता है, वही मंदिर वही पूजा, ऐसे में मेरी शादी, ऊपर से पढ़ाई वगैरह। ऐसा सोचकर तुम दुखी मत होना, ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, सब ठीक हो जाएगा। परीक्षा भी सर पर है, मैं तो बिल्कुल पागल हो गई हूँ। ओके फिर फोन करूंगी। कौन था बेटी? सुंदरी बेचारी ना हंस सकती है ना रो सकती है, वो बहुत परेशान है माँ। कैसी परेशानी? एक परेशानी थोड़ी ही है, घर का खर्च, पढ़ाई, हाथ बहुत तंग है। सुनिए, उस बेचारी की हमें मदद करनी चाहिए, वैसे भी उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं। अरे छोड़ो भी, तुम है तो उन्होंने घर से निकाल दिया था ना, अब भुगतने दो। उनके दुखों से हमें खुश नहीं होना चाहिए, है तो हमारे अपने ही ना। यही उन्हें भी तो सोचना चाहिए, घर छोड़ने के बाद किसी ने भी आकर हमें पूछा तक नहीं। मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, उन्होंने हमसे नफरत की हमारी शादी को लेकर, और उसे तो बीते कई साल हो गए, पर इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है,
हम अगर चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं और फिर इस अपनेपन से शायद वो हमें स्वीकार ले। हाय शालू, सॉरी मैं उस दिन आ नहीं पाया, काफी काम था। अच्छा हुआ कि तुम नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे बारे में उन लोगों का अभिप्राय ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे देश में लड़कों की कमी है क्या? मैं अब किसी के सामने मुंह दिखाई नहीं करूंगी, बहुत हो गया। तुम अपसेट मत हो, तुम में तो मुझसे ज्यादा हिम्मत है, तुमने तो दुनिया देखी है, फिर क्या? लेकिन मैं अब जान चुकी हूँ, मेरी तकदीर ही ऐसी है। शालू, तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के के साथ बड़ी धूमधाम से मैं कराऊंगा। अरे मारो गोली उस लड़के को, मैं आ गया हूं ना। तुम्हारे आने से ही मुझे काफी शांति मिल गई, अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही ये सब हो गया। क्यों, तुम्हारी इच्छा नहीं थी? नहीं, तुम यहाँ पर नहीं थे शायद ये भी एक कारण हो। समझ गया, तुम्हारे मन में जरूर कोई है। हाँ है, एक लड़का बहुत ही खूबसूरत जो मेरे मन मंदिर में बसा है। कौन है वो किस्मत वाला जिसने तुम्हारा दिल चुराया? वक्त आने दो, मैं उसे दिखा दूंगी। ज्यादा देर मत करना, हम उससे मिलकर तुम्हारी शादी करा देंगे। यही मेरी भी इच्छा है, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल सही फैसला है, तुम्हारे मम्मी डैडी का काफी मूड आउट होगा, पहले वो ठीक करना होगा। सुनो, अभी कुछ मत बोलना। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं काफी थक गया हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ। मैं क्यों लोगों के सामने अपनी नुमाइश लगाऊं, जबकि विकास जैसा लड़का मेरी आंखों के सामने है। मेरी शादी होगी तो सिर्फ विकास के साथ। परीक्षाएं हो गई? हाँ हो गई। आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं समझ गई, चिंता मत कीजिए, पास हो जाऊंगी। उसके बाद कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बेटी, तुमसे हमें बड़ी आशाएं हैं। मालिक आइए, बेटी तुम अंदर जाओ। क्यों पुरोहित रुपए तैयार हैं? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिन। नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कृष्णा, पुरोहित को अकाउंट बताओ। नारायण पुरोहित के नाम 20,000 ब्याज वगैरह मिला के पूरे 2,00,000 रुपये। मैंने एक दो जगह बात कर रखी है, बंदोबस्त होते ही ये पूरे। हमें फौरन पैसा चाहिए। मैं अभी कहाँ जाऊँ इतनी भारी रकम के लिए? हम तुम्हारा ये घर बेचकर रुपये ले लेंगे। कृष्णा, इतने भी क्रूर मत बनो, भगवान से डरो। रुपये लेते समय जब तुम भगवान से नहीं डरे, तो अब रुपये लेते समय हम क्यों डरे? आप लोग ऐसा मत बोलिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। कब दोगे? जल्दी ही। तुम्हारी ये इक्की दुखी पूजा करने से रुपये नहीं आएंगे। लेकिन तुम लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं ना? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का हम क्या आचार डालेंगे पुरोहित? ठीक है, तुम्हारे कागज लौटा देंगे। पुरोहित हमें उल्लू बना रहा है। मैंने किसी को उल्लू नहीं बनाया। इससे भी काम चला सकते हैं मुकुल? हाँ। तो फिर क्या सोचा है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ होता तो मैं दे देता मालिक। देखो पुरोहित, मुझे अब तुम्हारी जबान पर भरोसा नहीं है, ऐसी मोहलत कई बार मांग चुके हो। घर की हालत ही ऐसी है मालिक। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं,
हमारे पैसे कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, रुपए बाद में दे देना। पुरोहित मान जाए तो ठीक है ना मुकुल? हाँ। अभी ये नहीं हो सकता, वैसे भी मुझे बेटी की शादी करनी है। मंदिर में आजकल वैसे भी कमाई नहीं है। हम सब इस वक्त एक ही नाव में सवार हैं। कृष्णा, हम लोग यहाँ कोई शादी की बात करने नहीं आए हैं। अगर शादी की बात हो भी जाए तो क्या हुआ, क्यों मुकुल? हाँ ठीक कहा, अब शादी या रुपए? जी हाँ, इन्हें अपनी लड़की की शादी मुकुल के साथ करनी होगी, तभी मालिक आपके रुपयों की वसूली हो पाएगी। शादी? हाँ। क्यों, ये रिश्ता मंजूर है? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सच कहा, अगर भगवान ने हाँ बोल दिया तो अपनी बेटी की शादी मुकुल से कर दोगे ना? मुझे मंजूर है। जीजा जी, मालिक यहाँ पैसे लेने के लिए आया है ना, ये लो इनके पैसे लौटा दो। नहीं, मुझे क्या समझा है कि तुम जैसों की मदद मैं लूं? जीजा जी, क्या है, तुझे पालने पोसने की हमें कीमत देने आई है? मेरे दिल में छुरा भोंका है तुमने यहाँ से जाकर, अब पैसों से जख्म भरने आई हो? अपने मान की खातिर मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ा दूंगा। मालिक, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुंदरी, आज से तुम मेरी पत्नी हो। बैठ, ये भी बोलना पड़ेगा। दूध। मैं दूध पीऊं? दूध पीऊं? दूध, दूध, मैं दूध नहीं पीता हूं रात में। हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स। हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स। घबरा गई? क्या हुआ, घबरा गई? बहुत परेशान किया तूने, बहुत परेशान। Ha ha ha!
सुना है तुमने शादी कर ली? कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सॉरी, ये सब अचानक ही हो गया। सॉरी किस बात के लिए? शादी तो माँ बाप की मर्जी से हुई ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम सबको तुम्हारी शादी में आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन किससे बात कर रही हो? वो भी इतना हंस हंस के? वो एक मिनट, और कोई नहीं, नीना है मेरी कजन। कैसे है वो? सुंदर है ना? मैं सुंदर? बहुत सुंदर। तुम कैसी हो? वेरी सॉरी, शादी में नहीं आ सकी। सॉरी मत बोलो, इसमें क्या हुआ? अगर शादी में नहीं आई तो अब आ जाओ। मैं एक ना एक दिन जरूर आऊंगी। तुम्हारी आवाज से तो लगता है तुम भी बहुत सुंदर हो, और मैं सुंदरता का पुजारी हूँ। पुजारी, उनकी पूजा करता हूँ, साथ में प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, सुख भी देता हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं मिलने आ जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों आपस में थोड़ा सा सुख आदान प्रदान करेंगे। फोन काट दिया। छे, तुम्हारी कजिन भी कैसी है? जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। तुम नहा ली? मैं नहाने जाता हूं। सभ्य पुरोहित परिवार में जन्मी मैं, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप हुआ जो इस जन्म में इस नर्क की जिंदगी बितानी पड़ रही है। मैं अपना रोना किसको सुनाऊं? पता नहीं जीवन में कभी खुशी मिलेगी या नहीं। हे भगवान, निकली। तुमने कहा था बुलाओगी पर नहीं बुलाए ना। सॉरी, मैं तो वो बात भूल ही गया। अच्छी बातें मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ये अच्छी आदत नहीं है, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। अच्छा बोलो, वो लड़का कौन है? कौन सा लड़का? वही जो तुम्हारे मन मंदिर में बसा है। मेरे मन मंदिर में वही लड़का बसा है जो दूसरों के सुख दुख को बांटता है। कौन है वो? है एक हट्टा कट्टा जवान, वो दिखने में अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट है। जल्दी बताओ, पहेलिया मत बुझाओ। है एक पहचान वाला। वो तुम्हारे पहचान वाला है? कौन है वो? बताती हूँ, वैसे तो अभी तक मेरी उससे शादी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तुमने समझाया जरूर पर मैं समझा नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, आते रहना। ठीक है। Thank you.
बच्ची बिल्कुल तुम पर गई है, अपना ख्याल रखना। नर्स? यस डॉक्टर। इन्हें इंजेक्शन लगाया? जी नहीं। जल्दी से लगाओ। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मुकुल। सच बता, ये बच्चा किसका है? बेटी, पिताजी। अली, 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 बेटे, हमारा बच्चा। बच्चा? बेटी, मुकुल इस तरह से क्यों चला गया? नहीं जानती पिताजी। लक्ष्मी, बच्ची का नाम कावेरी रखते हैं, या फिर तुम्हें कोई अच्छा नाम सूझे तो बताना। बेटी, मुकुल अभी तक नहीं आया। अभी आ जाएंगे। बच्ची को दूध पिलाया? सब कुशल तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बैठो। अच्छा, मुकुल नहीं आया साथ में? नहीं, उसने सुंदरी को लिवाने के लिए मुझे भेजा है। बेटी, बच्ची का दूध और दवाइयां साथ में रखकर जल्दी से तैयार हो जाओ। बुरा मत मानना, बच्ची को बाद में ले जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? बच्चा माँ से अलग कैसे रहेगा? मुकुल ने मुझे बोलकर भेजा है कि यह बच्चा उसका नहीं है। भगवान, आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ये तो सुंदरी ही बता सकती है। उसे मेरे साथ चलना ही होगा, नहीं तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम तो मुकुल को जानती हो ना बेटी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो चलना ही होगा बेटी, वरना मैं अपना बेटा खो दूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो वो क्या कर बैठेगा मैं नहीं जानता। मैं नहीं जाऊंगी,
मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे चलने में ही भलाई है, नहीं तो तुम्हें उसका असली रूप देखना पड़ जाएगा बेटी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो तुम नहीं आओगी? अरे चल, मुझे अकेले छोड़कर चली गई। लक्ष्मी 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 भगवान, मैंने तुम्हें खो दिया। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। महेश, काफी दिन बाद मिले हो। एक केस देख रहा था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, पर ठीक से निपट गया। अच्छा, सुंदरी की शादी के बाद कोई खबर आई? नहीं महेश, काफी दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। फोन किया था? किया था, पर किसी ने उठाया नहीं। क्यों ना हम खुद जाके देखें? वहां जरूर कोई प्रॉब्लम है। कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो तुम्हें जरूर फोन करती। फिर क्या हुआ होगा? मुझे उसके आदमी पर शक है। कैसा शक? उनकी शादी के बाद मैंने जब फोन किया था तब। तब क्या हुआ था? तब मुकुल अजीब सी बातें कर रहा था। अजीब सी मतलब? वही, मुझे अच्छी नहीं लगी। शायद उसका मतलब कुछ और होगा। खैर, बेकार की बातों में वक्त क्यों खराब करें? महेश, तुम्हें ये सब बेकार की बातें लगती हैं? ए, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ भी हो, तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई, अब हमारी कब होगी? पिताजी से बात करके देखो। चालो चालो, आओ बैठो। अचानक बुलाने का कारण? बताती हूँ। तुम्हारे मम्मी डैडी ने फोन किया था? कल ही फोन किया था, मुझे बुला रहे हैं। मैंने बोल दिया मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, अभी काम जो बाकी है। कौन सा काम बाकी है? ऐसी भी क्या जल्दी है, बता दूंगी। कहीं उसी लड़की के बारे में तो नहीं? हाँ, अगर मैंने आज भी नहीं बताया तो मैं पागल हो जाऊंगी। ओह, ऐसा कुछ नहीं होगा, बताओ ना। वैसे तो ये बात मैं तुम्हें फोन पर बताना चाहती थी, मगर तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन नहीं देख पाती ना। शालू, तुम ये क्या बोल रही हो, इसके बारे में? कितने दुख की बात है, तुम अभी तक नहीं समझे? नहीं। दिल पर हाथ रखकर देखो, समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। चलो सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसे खेलोगी। मैंने जो कहा वो एकदम सच है। विकास, तुम मुझे नहीं चाहते हो? बात ये नहीं है, तुम्हें मैंने उस नजर से कभी नहीं देखा। शायद तुम नहीं जानते कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? सुंदरी, एक पुरोहित की बेटी है, मेरे मन मंदिर में वही बसी है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था विकास। कुछ दिन पहले ही मैं उससे मिला हूँ। गरीब घर की लड़की है, पर संस्कार में बहुत अच्छे लोग हैं। बेचारे बहुत बुरी स्थिति में हैं। तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, यही मेरा फैसला है। सुंदरी नहीं मिली तो
मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा। उसके सिवा मैं किसी और को कभी देखूंगा भी नहीं। उसका मन बदलने तक मैं इंतजार करूंगा। All the best, Vikas. Thank you. सभी हमारे स्टेट हैं। काफी सारे मजदूर यहां पर काम करते हैं। हाँ, एक मिनट गाड़ी रोको। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते। पगार बराबर मिलती है ना? जी मालिक। जानते हैं मालिक, आपकी शादी के बाद पहली बार मालकिन को देख रहे हैं। मालकिन बहुत सुंदर है, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। कुछ भी हो, आपकी शादी से हम लोगों को बहुत ही खुशी मिली। आप सच्ची में बहुत खूबसूरत हैं। जब भी आपको वक्त मिले तो हम लोगों से मिलने आ जाया कीजिए। आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो आपको इस जन्म में हमारे मालिक पति के रूप में मिले। अगले महीने से तुम लोगों की पगार बढ़ा दूंगा। भगवान आपका भला करे। विकास, एक मिनट। क्या हुआ? सुंदरी से मिले तुम्हें काफी दिन हो गए ना? हाँ, काफी दिनों से नहीं मिला। वो कहीं गायब तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। फिर भी फोन करके देख लो ना। कई बार फोन किया, कोई उठाता ही नहीं। खैर विकास, तुम चिंता मत करो। और कितने दिन राह देखोगे? साफ साफ बोल दो ना। वो भी बोल के देखा। सुंदरी तुम्हारा इंतजार करेगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, वो मेरा इंतजार करेगी। अब देर मत करो, तुम जाकर फिर से उसे एक बार बोल दो। हाँ ठीक है। मुनीम जी। अभी आया। क्या बात है? इस लेटर को बिना कोई जाने पोस्ट कर देना। ठीक है,
मैं पोस्ट कर दूंगा। क्या हो रहा है? ये हाथ में क्या दिखाऊं? पूज्य श्री पिताजी, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि बच्चे को देखने की अनुमति मुझे उनसे नहीं मिली। ए क्या तेरी ये मजाल कि तू एक पत्नी की चिट्ठी पोस्ट करे, वो भी एक पति को अंधेरे में रखकर? इसकी मदद करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुनीम? साले नमक हराम कहीं के भाग्य होते। आज के बाद तुझे यहां से एक फोन करने की भी अनुमति मैं नहीं दूंगा। अब से तेरी सांसें भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तू मुझे छोड़कर जाना भी चाहो तो नहीं जा सकोगी। अगर कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। मुझे कैदी बनाना चाहते हो? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? हाँ तुम कहती हो, मेरी कैद में हो। पत्नी की जगह तुम्हें पैसे के बदले में मिली है, क्या तुम नहीं जानती हो? अब मुझसे कुछ मत पूछना, चुप रहने में तेरी भलाई है। बड़ी आई, चल हट। नमस्ते, मुझे पहचाना उस दिन मैं? हाँ पहचान गया, इतना ही नहीं मुझसे हुई भूल भी जान गया। उस दिन जब तुम आए थे, अगर उसी दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। अब वो सब सोचने से क्या फायदा? हाँ उसे अपनी ही बेटी देखने की अनुमति नहीं है, और न ही इसका बाप कभी मिलने आता है। इस पुरोहित की किस्मत ही खराब है, और हार चुकाने के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया। भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा उस पापी को। हाँ। सुंदरी इस वक्त कहाँ है? मालूम नहीं, जिस दिन से उसे मेरे पास से ले गए वो कहाँ है, कैसी है, कुछ पता नहीं। आपने उसे ढूंढा नहीं? मैंने कई लोगों से पूछताछ की, अब इस बच्ची को लेकर मैं कहाँ पे जाके ढूंढूं उसे? मैं जिंदा हूं तो इस बच्ची के लिए, वरना मैं तो मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा, इसी बात से परेशान हूं। अब शगुन बातें मत कीजिए, और फिर सुंदरी की बच्ची आपके पास है, यह जानकर सुंदरी भी परेशान नहीं होगी। हाँ यही उसके लिए आश्वासन है, मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बच्ची को इस हालत में मैं किसके पास छोड़ू? मेरे मरने के बाद ये बच्ची अनाथ हो जाएगी, इसी बात का डर है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सुंदरी को कैसे भी ढूंढकर इस बच्ची को उसके हवाले कर दूंगा। अब चलिए। रोते नहीं, रोते नहीं, नहीं नहीं रोते नहीं, अच्छी बच्ची है ना। ओ देखो देखो देखो, अरे नहीं रोते नहीं, रोते नहीं बेटे, रोते नहीं, चुप हो जा, रोते नहीं। रोते नहीं, रोते नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? इतने दिनों तक आपने इसे पाला, इस गांव का मंदिर भक्त सभी आप पर निर्भर हैं। आज से इस बच्ची को मैं पालूंगा। मैं यहां आया था सुंदरी से शादी करने के लिए,
उसकी खूबसूरती देखकर नहीं, उसका सच्चा मन देखकर। पर यह आप समझ नहीं पाए। कुछ भी हो, सुंदरी के साथ जीने का भाग्य मुझे नहीं मिला। कम से कम उसकी बच्ची को पालने पोसने का भाग्य मुझे मिला है। अगर ये भी आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। अंकल, अंकल, नारायण जी, अंकल, 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 अंकल। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। तुम बहुत किस्मत वाले हो, अब तो पांच उंगली घी में सिर कढ़ाई में। इसमें तुम दोस्तों की मदद भी तो शामिल है। कुछ भी हो, हमारी वजह से तुम्हें 25 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। अब ये बताओ, हम लोगों को पार्टी कब दे रहे हो? वो मैं जरूर दूंगा। वैसे भी शादी की सालगिरह की पार्टी रखने वाला हूँ, तभी दे दूंगा। तो कब होगी पार्टी? मजा आएगा ना पार्टी में? मजा आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा मजा। अच्छा, हम चलते हैं, काफी देर हो गई, कल सुबह आएंगे। ओके, याद से भूलना नहीं। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अब तुम्हें भी चलना चाहिए। मेरा अभी वहां आना ठीक नहीं होगा, यही तो मैं बोल रही हूँ। कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ, अभी यहाँ कुछ और काम बाकी हैं जिन्हें निपटाना है। हाँ वही, ये बात आप मम्मी को समझा दीजिए। हाँ, पूरा काम निपटा के ही मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। श्योर, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। डैडी का फोन था,
फौरन मुझे बुला रहे हैं। लेकिन ये छोटी बच्ची कौन है? हाय, क्या हुआ विकास? वो भगवान मेरी तरह इस छोटी सी बच्ची की भी परीक्षा ले रहा है। ये बच्ची सुंदरी की बेटी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सुंदरी की बेटी है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा इंतजार सब बेकार हो गया। गरीबी के सामने घुटने टेक कर उस बेचारी को एक अमीर आदमी से शादी करनी पड़ी। बस यही, ये बच्ची है मगर अनाथ है। अनाथ है? हाँ, मैंने सुंदरी को चाहा, उसे पाने की कोशिश की, ये बात उसका पति जान गया। यही इस बच्चे की बदनसीबी है। ओह, ये तो वाकई अफसोस की बात है। ये बच्ची अब किसके पास रहेगी? प्रसव के बाद इस बच्ची को सुंदरी के माँ बाप के पास छोड़ दिया था। इस शौक से सुंदरी की माँ मर गई, तभी से इसके नाना ही से पाल रहे थे, वो भी मर गए। हे भगवान, इस बच्ची को उन लोगों ने छोड़ दिया? मैं अपने प्यार की तलाश में गया मगर किस्मत ने झोली में बच्ची डाल दी। समझ में नहीं आता मैं रोऊं या हंसूं। सुंदरी इस वक्त कहाँ है? नहीं जानता। तो फिर अब क्या करोगे? मैं उसे बहुत प्यार करता था, जो उसके परिवार वाले समझ नहीं पाए। अगर वो लोग समझ जाते तो ये परिस्थिति पैदा ना होती। तो अब तुमने क्या फैसला किया है? मैं इसे पालूंगा अपनी बच्ची की तरह। पार्टी देने वाले थे, पार्टी में कौन सी खास बात है? दूंगा, पार्टी दूंगा, वो भी केवल बोतल की नहीं। तो फिर? मेरी पार्टी दूसरों की पार्टी से हटकर होती है। मेरी पार्टी भी खास होगी, मेरी तरह। तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, इस पार्टी में शामिल होगी इस घर की जवानी। सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी इधर आओ। सुंदरी आ, मेरे पास आओ, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ, आओ। हाँ, ये है सुंदरी, मेरी पत्नी, हमारे गांव के पुरोहित की इकलौती बेटी। इसके साथ मेरी शादी हुई, यही मेरे लिए भाग्य की बात है। ये है अक्षर। नमस्ते। ये है विनय। नमस्ते। और ये राजा। बहुत सुंदर है। आज दो घंटे की बात है, 25 लाख रुपए, 25 लाख कमाने के लिए इनको हमें एक स्पेशल ट्रीट देनी होगी, उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। वेरी गुड, ये लो, पकड़ो, पकड़ो ना, पकड़ो, घबराओ नहीं। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मेरे दोस्तों को अपने हाथों से तुम्हें पिलानी होगी, चिंता मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जरा सी देर की तो बात है। अरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? घबराओ नहीं। अरे इतना क्यों डर रही हो? जाओ, जाके दे दो, जाओ ना, जाओ। शर्माती है पर सब ठीक हो जाएगा। आप लोग शुरू कीजिए।
अब तुम्हें एक राउंड और देना होगा सुंदरी, मेरी पत्नी पुरोहित की बेटी। अब तुम्हें हर एक राउंड के साथ अपने कपड़े उतारने होंगे और इन सबका दिल बहलाना होगा। जल्द कपड़े उतार उतार। उतार, मैंने कहा उतार। खड़ी रहे, चुपचाप खड़ी रहे। मेरा कहा मानना पड़ेगा। अब तुम लोग यहीं रुको, उसे भी ले गया था। शालू, ये देखो। ये कैसे हो गया विकास? मैं नहीं जानता, वो ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई बात हुई होगी। वो इस वक्त कहाँ होगी? जेल में है, उस बेचारी का कोई भी नहीं, हमें उसे बचाना होगा। विकास, हमें किसी अच्छे वकील से अभी तुरंत मिलना होगा। मैं वकील से मिलकर आती हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम ऐसे ही काफी अपसेट हो, मैं मिलकर आती हूँ। मैं भी साथ में चलता हूँ, यहाँ रहने से और उदास हो जाऊंगा। ठीक है। दीदी, दीदी, तुम्हारी नीना आई है।
दीदी क्या हुआ था मुझे बताओ दीदी। मुझे उसने और उसके दोस्तों ने मीना मुझे किसी बात का डर नहीं मैंने उसे जान से मार डाला मैं बहुत खुश हूं क्यों मैंने जो किया सही है ना हिम्मत रखो दीदी तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी कोर्ट में एक्सक्यूज मी सर। हाँ बैठिए। थैंक यू। मैं हूं विकास, यह है शालिनी। कहिए क्या बात है? मुकुल के कत्ल की बात तो आप जानते ही होंगे। हाँ जानता हूं सर। कत्ल करने वाली सुंदरी हमारी जान पहचान वालों की लड़की है। ऐसी बोलिए सर, आप ये केस लेकर सुंदरी को कैसे भी बचा लीजिए। ये केस तो मैं पहले ही ले चुका हूं। किसने दिया सर? चिंता मत कीजिए, और किसी ने नहीं, मेरी जूनियर ने। उसके लिए ये केस बहुत मानी रखता है। आप लोग इस केस के विषय में जरा भी चिंता मत कीजिए। नीना आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यही है मेरी जूनियर, नाम है नीना। मुकुल मर्डर केस में सुंदरी की तरफ से केस हाथ में लेने के लिए ये दोनों बहुत उम्मीद लेकर हमारे पास आए हैं। आप लोग सुंदरी के? कोई नहीं, विकास सुंदरी का दोस्त है। ओ, आपका नाम क्या है? शालिनी, विकास की दोस्त हो। इस केस में आपको सुंदरी को बरी कराना होगा, वो बेचारी निर्दोष है। जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी, ये केस मेरे लिए मायने रखता है। सुंदरी मेरी कजिन है। ये तो बड़ी खुशी की बात है विकास। आप चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा हम चलते हैं। चलते हैं। क्या बात है, आप बाहर ही घूम रहे हैं? इतनी दूर आकर घर में क्यों नहीं आए? नहीं, अभी की परिस्थिति अलग है, मेरा तुम्हारे घर में आना ठीक नहीं होगा। इसमें क्या हुआ? घर के अंदर आने से तुम्हारे ऊपर कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आओ चाय पीते पीते बात करेंगे। नहीं नीना, मेरा और तुम्हारा एक ही प्रोफेशन है। तुम क्लाइंट की वकील हो और मैं सरकारी वकील, ऐसे में तो क्या हुआ तुम मेरे घर पर आए हो? जानती हो ना, तुम्हें देखे बिना मैं एक दिन भी रह नहीं पाता हूँ। इसलिए इसलिए तुम्हारे जीवन में कल परिवर्तन होने वाला है। सुनो, ये पहला केस है, संभाल के हैंडल करना। इसमें क्या हुआ नीना? किसी भी कारणवश तुम ये केस हारना नहीं, विपक्षी चाहे कोई भी हो। हाँ महेश, विपक्षी चाहे कोई भी आ जाए, मैं ये केस नहीं हारूंगी, ये केस जीत के ही रहूंगी। कोर्ट में सरकारी वकील मैं ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हिम्मत मत हारना। वहाँ ये सरकारी वकील काफी बहस करेगा। तुम्हारी दीदी का जीवन नाश करने वाला वो मुकुल ही था। थैंक्स महेश, थैंक्स। अच्छा मैं चलूं? रोज की तरह। बाय। सुंदरी आजाद में हाजिर हो। सुंदरी
मैं इस केस का फैसला सुनाने जा रहा हूं। मुलजिम सुंदरी, तुम अदालत के सामने कुछ बोलना चाहती हो? नहीं। मिलॉर्ड, इस केस से जुड़ी कुछ और बातें मैं मुलजिम सुंदरी से पूछना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अदालत से परमिशन चाहिए। योर ऑनर, सरकारी वकील मेरी क्लाइंट से पहले ही काफी पूछताछ कर चुके हैं, अब उसे कंफ्यूज करना चाहते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। सुंदरी देवी, जैसा कि मेरे फाजल दोस्त वकील ने कहा, क्या तुम मानती हो कि तुम इस केस में निरपराधी हो? नहीं। योर ऑनर, मुलजिम सुंदरी ने बड़े ही बेरहमी से अपने पति के सर पर पत्थर से वार कर उसका खून किया और मुलजिम सुंदरी ने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है। इसलिए मैं अदालत का वक्त जाया ना करते हुए अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम सुंदरी को उम्र कैद की सजा ना देते हुए फांसी की सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक स्त्री अपनी इज्जत की खातिर जुर्म करके इस अदालत में खड़ी है, इस पर भी अदालत को गौर करना चाहिए। योर ऑनर, प्लीज यू प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। इसका पति एक बहुत ही क्रूर इंसान था, जिसे मेरे फाजिल दोस्त सरकारी वकील ने एक शरीफ इंसान करार दिया। एक निरपराधी को लोगों के सामने अपराधी साबित करने की सरकारी वकील ने काफी अच्छी बहस की। मुकुल एक मुजरिम था। अदालत इस बात पर गौर करे और मुलजिम सुंदरी को बाइज्जत बरी करे, यही मेरी अदालत से दरख्वास्त है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुलजिम ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, सारे गवाह उसके खिलाफ हैं, फिर भी वकील साहिबा उसे निरपराधी मानती है, इस बात पर भी अदालत गौर करे योर ऑनर। अभी तक जो कुछ भी साबित किया गया, जितने भी गवाह पेश किए गए, उन सबों ने अदालत को सिर्फ गुमराह किया है योर ऑनर, इसके सिवा और कुछ नहीं। आप किसी और गवाह से कुछ पूछना चाहती हैं? जी हाँ, नाम है कृष्णा। ओके, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। कृष्णा, अदालत में हाजिर हो। आपका नाम? कृष्णा श्रीवास्तव। अदालत में जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, ये बात आप जानते हैं ना? जानता हूँ। मकतूल मुकुल को आप जानते हैं? वो मेरे मालिक थे। कितने सालों से जानते हैं? बचपन से ही मैं उन्हें जानता हूँ। मुकुल की पत्नी सुंदरी, उसे आप जानते हैं? हाँ, उनकी शादी से पहले से ही जानता हूँ। मेरे कारण ही मुकुल से सुंदरी की शादी हुई। तब तो उनके घर में जो कुछ भी हुआ होगा उसे भी आप बखूबी जानते होंगे, बताइए। दरअसल मेरे मालिक मुकुल अपनी माँ के बिना ही पले बड़े थे, इसलिए बचपन से ही मुकुल का स्वभाव कुछ अजीबोगरीब स्वभाव था। साफ साफ बताइए। मुकुल एक सैडिस्ट था। उसने जवानी में ही कई जवान लड़कियों की क्रूरता से इज्जत लूटी, इसीलिए वो हमेशा औरतों से नफरत करता था। तो फिर किस वजह से तुमने अपने मालिकीय करतूत गांव के लोगों को नहीं बताई? मुझे डर था। अभी बताने का कारण? अपने जमीर से डर के। मुकुल, तुम्हारे मालिक सुंदरी को कैसे रखते थे? सिर्फ उपयोग करने वाली वस्तु की तरह। सच कहूं तो घर के अंदर वो एक जिंदा लाश की तरह थी बेचारी। बहुत ही दुर्व्यवहार होता था उसके साथ। उन दोनों से कोई औलाद हुई थी? हाँ, एक बच्ची प्रसव के बाद जिसे सुंदरी के घर में फेंक दिया गया। इस सदमे से सुंदरी की मां का देहांत हो गया। घर जाकर बच्ची को देखने की सुंदरी को अनुमति नहीं दी गई थी। कारण? सुंदरी पर मुकुल को शक था। जिस दिन ये खून हुआ था उस दिन आपने सुंदरी और मुकुल को देखा था? देखा था। उस दिन मुकुल और उसके दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। मुझे एक जगह पर बहुत ही जरूरी काम था, वहां से लौटने तक ये खून हो गया। योर ऑनर, इस बयान से साबित होता है कि मुकुल और उसके दोस्तों ने सुंदरी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया। अपनी इज्जत बचाने की खातिर इस मुलजिम सुंदरी ने ये जुर्म किया होगा। एक मगरूर पति पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने पेश करता है, जिसके फलस्वरूप पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए भागती है, चिल्लाती है, अंत में वो पति का खून कर देती है।
यही बात मैं अदालत को समझाना चाहती हूँ और दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी क्लाइंट मुल्जिम सुंदरी को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर, सरकारी वकील होने के नाते मुझे इस गवाह से कुछ पूछने की परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। आपने अभी जो कुछ भी कहा वो एक कहानी है ना? मुल्जिम सुंदरी ने अपना जुर्म खुद कबूला है, उसके बावजूद आप कोर्ट में ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, मुझ पर किसी की जबरदस्ती नहीं है। मैं अपने जमीर को धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए बोल रहा हूं। झूठी गवाही देना जुर्म है, जानते हैं? जानता हूं। कोर्ट में सच बोलने की कसम खाई है, इसलिए मैं सारी बातें बताना चाहता हूं। बहुत सालों से मालिक के कारनामों का जो भार मेरे मन पर था, मैं बताना चाहता हूं। बताइए। शादी से पहले कितनी ही नाबालिग लड़कियों की मुकुल ने इज्जत लूटी है। उन्हें यहां लाकर उनकी दुख भरी दास्तान इस कोर्ट के सामने मैं उनसे सुनवा सकता हूं। औरत ही इस तरह के हादसों में शिकार बनती है, जो अपनी इज्जत बचाने की खातिर पुलिस स्टेशन या अदालत में अपना बयान नहीं दे पाती हैं और अपने घरों में समाज में उन औरतों का जीवन नरक बन जाता है। योर ऑनर, इस केस को इस गवाह ने साफ कर दिया है। मुल्जिम सुंदरी अपराधी है या निरपराधी, फैसला अदालत करेगी। सुंदरी ने यह खून नहीं जानबूझकर, नहीं अनजाने में किया, अपनी इज्जत बचाने की खातिर ही ये खून हुआ। इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, पर सुंदरी बेकसूर है। That's all your honor. That's all your honor. सबूतों और गवाहों के बयान से ये साफ है कि मुलजिम सुंदरी ने ही ये खून किया। मरने वाला मुकुल समाज में एक बदनुमा दाग था। ये सरकारी वकील महेश और वकील नीना की बहस से साफ हो गया। मुलजिम सुंदरी ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपने पति मुकुल का खून किया, इसलिए ये खून एक संगीन जुर्म न होकर महज एक हादसा है। ये भी मुलजिम के इकबाले जुर्म और गवाहों के बयान से साफ हो गया है। क्योंकि मुलजिम की 2 साल की बच्ची है, इसलिए मुलजिम के साथ सख्ती न बरतते हुए ये अदालत मुलजिम सुंदरी को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा न देकर केवल 6 महीने की सजा का हुक्म देती है। मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटी, जो होना था सो हो गया। अपराधी तुम नहीं हो बेटी, अपराधी तो वो था। सच कहूं तो मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। हो सके तो बेटी मुझे माफ कर देना। ये बच्ची कौन है जानती हो? बेटी मुझे माफ करना, मुझे तुमसे जुदा करने वाले तुम्हारे बाप को मैंने मार डाला। चिंता ना करो दीदी, केवल 6 महीने की बात है, वो तो यूं ही कट जाएंगे। तब तक मेरी बच्ची को अपने पास ही रखना। सुंदरी, आज के बाद इसे पालने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत शुक्रिया। चलो। विकास, समझ लो आज मेरा काम समाप्त हो गया। तुम्हारा प्यार हारा नहीं बल्कि जीत गया। अब तुम उसी के साथ जीना। ये लो मेरे घर की चाबियां, आज से मेरा घर तुम्हारा है। अच्छा तो मैं चलती हूँ।